अलैक ओके सो आई थिंक टू स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमने इलेक्ट्रो मैकेजम का टॉपिक सारा कर लिया था सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए थे नॉविज नीड टू गो र पी टू पास पेपर्स इन द्लास ताकि जो जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो टेस्ट आउट हो जाए ठीक है तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से मे जून टू थाउजेंड एट पेपर टू क्वेश्चन सेवन दो मैग्नेट्स के बीच में एक वायर रखी हुई है जो कि करंट लेके जा रही है इन टू पेज करंट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बता दें वेल दैट इज ऑब्वियसली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि लेफ्ट टू राइट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी अभी फोर्स की डायरेक्शन नहीं पूछी याद रखना अब जब आपसे पूछे हैं कि एरो बनाओ, फोर्स की डायरेक्शन बनाने के लिए तो आप लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो मुझे जरा बताओ इसमें क्या आंसर आ रहा है हमारा आप भी ट्राई करो आप जवाब बताओ क्या आ रहा है आपका ना तुम्हारा सही आंसर आ रहा है ठीक है लेफ्ट हैंड रूल ऑब्वियसली

सो so बेसिकली वो आपसे कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बनाओ ड्यू टू द करंट इन द वायर तो कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनकी कैसी बनती है आपको याद होगा राइट right हैंड यहाँ पे लगाएंगे ना अब यहाँ पे लगाएंगे हमें ना क्योंकि ये एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड यूं होगी दूसरी वायर की भी मैग्नेटिक फील्ड यूं होगी और दोनों की कैसी होगी राइट हैंड ग्रिप रूल से क्लॉक वाइज आएगी इसकी भी क्लॉक वाइज आएगी इसकी भी क्लाक वाइज आएगी लेकिन कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा बनता है अगर आपको याद हो तो कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है इस तरह का पैटर्न हमने देखा था बाहर वाली साइड पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग एक रुको और अंदर वाली साइड पे मैग्नेटिक फील्ड वीक और एक कंबाइंड क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज थी तो उनका ओवरऑल कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड भी क्लॉकवाइज आ जाएगी ठीक है लूप्स अराउंड वायर और ये है बेसिकली आपकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे हो साइड्स पर अंदर जो है वो एम रीजन दिखा रहे हो तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है और जाहिर सी बात है कि दोनों वायरस पे फोर्स लगेगी फोर्स ऑन ईच वायर ड्यू टू द करंट इन द अदर वायर ड्रॉ एन एरो ऑन ईच वायर टू शो एंड यू नो कि दोनों वायर्स पे अट्रैक्टिव फोर्स लगती है या आप ये कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फोल्ड की तरफ दोनों वायर्स पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगती है क्योंकि सेम डायरेक्शन में जब करंट लेके जाते हैं तो फोर्स अट्रैक्टिव होती है जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा होता है वायर्स का तो फोर्स रिपल्सिव होती है लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू अब यहाँ पे आपके पास एक लेफ्ट हैंड बना हुआ है और वो लेफ्ट हैंड रूल के शेप में फ्लमिंग लेफ्ट हैंड रूल के शेप से उन्होंने सारी फिंगर्स को जो है वो बना दिया और कह रही है कि आप हर फिंगर को लेवल कर दो कि किस फिंगर का क्या मतलब है सो यू शुड नो कि आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो क्या होती है इट इज योर मैग्नेटिक फील्ड और ये होता है आपका करंट और ये है आपका आपकी फोर्स ठीक है सिंपल क्वेश्चन व्हाट यू हैव इज अ कॉइल रेक्टेंगुलर कॉयल है नॉट क्वाइट अ डीसी मोटर बट जस्ट अ कॉइल इन साइड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों कॉइल्स पे फोर्स लग रही है दोनों कॉल्स पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्यों लग रही है क्योंकि एक में करंट जो है वो ए uh, सी अंदर की तरफ जा रहा होगा एक में करंट बाहर की तरफ आ रहा होगा तो क्योंकि दोनों वायर्स में करंट ऑपोजिट है तो फोर्स ऑपोजिट लग रही है बट सेम अमाउंट ऑफ करंट है तो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रही है अब वो ये कह रहे हैं कि आपका जो कॉइल है साइड ऑफ द कॉयल ईच साइड ऑफ द कॉयल इज फोर सेंटीमीटर इन लेंथ सो ए बी भी फोर सेंटीमीटर है बी सी भी फोर सेंटीमीटर है सी डी भी फोर सेंटीमीटर है ए डी भी फोर सेंटीमीटर है सारी चीजें फोर सेंटीमीटर है कह रहे हैं मोमेंट निकाल लें मोमेंट का फॉर्मूला for, होता है एफ एन टू पेवेट आपका जो है वो ये डॉटेड लाइन है ये आपका है. आप ये बात समझ सकते हैं कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो टू सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये भी टू सेंटीमीटर है अब दोनों मोमेंट्स जो है वो क्लॉकवाइज है दोनों मोमेंट्स क्लॉकवाइज है तो ट्वेंटी इंटू टू पहले वाले के लिए भी करना पड़ेगा और दूसरे वाले के लिए भी ट्वेंटी इंटू टू ही करना पड़ेगा ट्वेंटी न्यूटन सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस मैंने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट ही नहीं किया था अगर आप कन्वर्ट करते तो आप न्यूटन मीटर में लिख देते हैं आंसर दोनों क्लॉकवाइज मोमेंट इसलिए दोनों को एड कर रहा हूं सिंपल कह रहे हैं कि मोमेंट को इंक्रीज करने के लिए आप स्ट्रॉगर मैग्नेटिक फील्ड यूज कर सकते हैं कोई दो तरीके और बताएं जिससे आप मोमेंट इंक्रीज कर सकते हैं तो एक तरीका यह है कि आप करंट को इंक्रीज कर सकते हैं राइट इंक्रीज द करंट एंड यू कैन हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉय एक और भी था वो आपसे पूछा नहीं लेकिन आप कह सकते हैं इंसर्ट सॉफ्ट आयरन कोर क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड को एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर देता है तो वो जो कॉयल के साथ मैग्नेटिक फील्ड की लिंकेज होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी इसलिए वो ज्यादा फोर्स लगेगी उसके ऊपर तो अभी कॉयल जो है वो रेक्टेंगुलर कॉल अंदर से हॉलो है अगर आप उसके अंदर एक आयरन का बड़ा सा पीस डाल दें फिर रेपिड अराउंड पीस ऑफ आयरन देन इट विलर फोर्स ओके दिस इज सिमिलर क्वेश्चन टू क्वेश्चन नंबर वन के अंदर जो पार्ट था और जल्दी से इसको भी कवर कर ले तो आप दोनों वायरस एक्स और वाई जो दोनों करंट लेके जा रही है इन टू दीक है अब वो कह रहे हैं कि दोनों में इक्वल करंट है ओके दैट्स फाइन ना भी हों तो हमने कहा था फोर्स की वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता फोर्स दोनों वायरस एक दूसरे पर बराबर ही लगाते हैं वन कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज ड्रॉन अराउंड ईच वायर दोनों वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड तो बनाई हुई है अच्छा इसके ऊपर एरो नहीं बनाया तो क्या एरो हम बना सकते हैं वेल राइट हैंड ग्रिप रूल लगाएं तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जो है है वो आपको पता क्लॉकवाइज ही आती है क्लॉक वाइज यस और उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप क्या करें ड्रॉ कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट इन वायर एक्स वायर एक्स की एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाए जो कि पॉइंट ए से पास थ्रू करे तो एक इतना बड़ा सर्कल बनाए वायर एक्स के अराउंड जो पॉइंट ए के अंदर से लाजमी पास करे तो आप बना लें एक सर्कल आप बना दो ये पॉइंट ए के अंदर से पास करवा देते हैं मिनट ऑलमोस्ट राइट right? और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो कह रहे हैं कि डायरेक्शन भी मार्क करें तो हम डायरेक्शन इसकी भी मार्क कर देते हैं यहाँ पे इसकी डायरेक्शन यही क्लॉकवाइज ही होगी तो ये एक्स की मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट ए से पास करिए पॉइंट बी इज मिड वे बिटवीन द टू वायरस वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्यों होगी वेल आप खुद ही सोचे जो पॉइंट बी है उस पर एक्स की मैग्नेटिक फील्ड यू पास कर रही है और वाई की मैग्नेटिक फील्ड यू पास कर रही है तो और, एक दूसरे। और सिर्फ ये बात नहीं है कि दोनों ऑपोजिट पास कर रही है क्योंकि मिड वे है तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी यहां पे बराबर होगी तो इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो हम कह देंगे मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू एक्स एंड वाई आर इक्वल एंड ऑपोजिट दोनों बातें करनी है बी सो दे कैंसिल आउट जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जीरो हो जाती है देर इज अ फोर्स ऑन वाई ड्यू टू एक्स वाई पे फोर्स एक्स की वजह से लग रही है कह रहे डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताया वाई पे अब हम देख चुके हैं कि दोनों वायर्स पे सेम डायरेक्शन में जब करंट जा रहा होता है तो फोर्स अट्रैक्टिव होती है होलरसाइज आपको लेफ्टी दोबारा करने की जरूरत नहीं और आराम से उसको जाके रिवाइज कर सकते हो सो so yeah, या टू वर्ड्स एक्स आप कह दो लेफ्ट की तरफ लग रही है एक्सप्लेन वाई देर इज अफोर्स ये नहीं पूछ रहे कि डायरेक्शन क्योंकि वजह नहीं पूछ रहे बोले फोर्स ही क्यों लग रही है सिंपल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एक्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एक्स पास वेयर वायर इज़ प्लेस्ड इतनी सी बात है वायर एक्स की मैग्नेटिक फील्ड इस जगह से पास करेगी तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से जब ये करंट लेके जाएगी वायर तो जाहिर सी बात है जब भी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से वायर करंट लेके जाती है तो उस पर फोर्स लगती है सिंपल तो एक्स की की मैग्नेटिक फील्ड वजह से वायर जो है वो वायर पे फोर्स लग रही है ओके लेट सी हमारे पास एक और क्वेश्चन है दिस इज अ मोटर बट काइंड ऑफ इनकम्प्लीट और हमारे पास फ्लेक्सीबल वायर्स हैं इसके अंदर स्विच है बैटरी है सारी चीजें हैं Uh, when the 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 switch is closed, forces forces. forces? due to 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 current act on each sides of of the of coil. The coil starts to turn. Draw draw arrows to show the direction direction Well, can you draw the direction of the forces? आपको सबसे पहले करंट की डायरेक्शन फिगर आउट करनी है और वो आपको बैटरी के टर्मिनल से पता चलेगी तो आपको ये पता चल रहा है कि करंट यू फ्लो कर रहा है और यहाँ से करंट बाहर आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साइड करंट अंदर लेके जा रही है जो साउथ पोल के पास है वहां पे फोर्स लगेगी कैसी डाउनवर्ड्स और दूसरी साइड परंट से बाहर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रही है एंड रूल टू फाइंड आउटनोर्स वेन इट इज वर्टिकल एक्सप्लेन वाई दर्निंग एट दिस पोजिशन अच्छा ये बात जो है ना वो थोड़ी सी काइंड ऑफ आई थिंक रह गई थी उस लेक्चर के अंदर तो इसको जरा एक दफा थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं ये बात तो समझ में आई थी कि करंट पास जो है वो उस टाइम पे नहीं करता स्प्लिटरिंग कॉम्यूटेटर जब होता है लेकिन अभी तो यहाँ पे स्प्लिटरिंग कॉम्बूटेटर नहीं लगा हुआ ना तो करंट तो पास करेगा जब कॉल वर्टिकल होगा तो वो ये नहीं कह रहे कि कॉल पे फोर्स जीरो हो जाएगी लेकिन वो कह रहे हैं कि कॉयल पे जो टर्निंग इफेक्ट है जो मोमेंट है वो जीरो हो जाएगा अब मोमेंट का फॉर्मूला क्या है पहले एक दफा वो रिवाइज कर लेते हैं बल्कि आप अपने आंसर में लिख भी दो मोमेंट का फॉर्मूला होता है एफ इन टू डी और ये जो डी होता है ना ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इट मतलब इसका ये हुआ कि अगर देखो मेरी बात सुनो ये मेरे पास एक पेवेट है ये एक पेवेट लगा हुआ है एक बीम के ऊपर अब अगर इसमें मैं एक फोर्स यहां से एक्ट करवाऊंगा तो इसका मोमेंट लगेगा लगेगा यहां से फोर्स लगाऊंगा इसका मोमेंट लगेगा लगेगा यहां से फोर्स लगाऊंगा इसका मोमेंट लगेगा लगेगा इसका भी लगेगा लेकिन बेटा जो फोर्स यहां से एक्ट कर रही है इसका मोमेंट जीरो होगा क्योंकि इसका पेविट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस फोर्स का वो जीरो है तो जब ये कॉइल वर्टिकल हो जाता है अभी हम कॉल को सामने से देख रहे हैं सपोज करो ऐसे करंट पास भी कर रहा है इसमें इस साइड पर इस साइड पर करंट पास भी कर रहे हो और साइड पर फोर्स लग भी रही है अब लैट सपोज इस साइड पर लग रही है ऊपर फोर्स और इस साइड पे लग रही है, है नीचे फोर्स लेकिन बात सारी है कि पेविट कहां है पेविट के साथ तो ये फोर्स अलाइन हो रही है यहां पे जब फोर्स लग रही थी और जब यहां पे फोर्स लग रही थी तब पेविट कहां था इधर था तो फोर्स और पेवेट के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस था जिसकी वजह से टर्निंग अफेक्ट क्रिएट हो रहा था बट जब आपका पेवेट भी यहां है और उसके बिल्कुल ऊपर डायरेक्टली ऊपर फोर्स लग रही है और नीचे फोर्स लग रही है तो ये तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पेवेट के अंदर से पास कर रही है ऐसे में फोर्स का मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होता ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप बीम पे यहाँ से फोर्स लगाए फोर्स तो लग रही है लेकिन उसका कोई मोमेंट नहीं प्रोड्यूस होगा सो आपने यही बताना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड पिविट लिख दो या फिर ये लिख दो कि हमारा जो एक्सेस है ठीक है एक्सेस का वर्ड यूज़ होगा ना एक्सेस ऑफ द कॉयल इज जीरो सो मैंने मोमेंट का फॉर्मूला लिखा और बता दिया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो तो ऑब्वियसली मोमेंट जीरो आएगा अब वो कह रहे हैं कि इन ऑर्डर फॉर द कोयल टू रोटेट कंटिन्यूसली अगर कोयल को कंटिन्यूसली रोटेट करना है तो एक ये डिवाइस लगाना पड़ेगा कह रहे हैं कि ये बताएं कि ये जो डिवाइस है ये कैसे काम करता है और आपने डायग्राम भी इंक्लूड करें आंसर में अब देखो डायग्राम में इतना मुश्किल डायग्राम है एग्जाम में तो नहीं बनाना जरा इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम मैं आपको सजेस्ट ही नहीं करूँगा एग्जाम में बनाने की कोशिश करूँ लेकिन इतना पार्ट कार्बन ब्रश और स्प्लेटरिंग वाला जो पार्ट है ये बहुत हेल्पफुल है कि ये आप बना दो

तो रिंग कैसी होती है रिंग का एक हाफ इधर होता है और एक हाफ रिंग का इधर होता है और ये कार्बन ब्रश को टच नहीं कर रही होती कार्बन ब्रश का आप ये और ये टर्मिनल जो है आप बोल सकते हो कि ये वाला टर्मिनल कार्बन ब्रश का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्टेड है और ये वाला कार्बन ब्रश का टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है ठीक है इस तरह थोड़ा गैप से चार पोजिशन में मेरी स्प्लेट रिंग को बना दो ठीक है एक इसकी कॉपी बना लो और आप इस साइड को लेबल कर सकते हो यू कैन कॉल इट साइड टू अब ये कह सकते हो साइड वन यहाँ आ गई साइड टू यहाँ आ गई ठीक है एंड देन मे बी यू कैन ड्रॉ समथिंग लाइक दिस दोबारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गया कोई, लेकिन ज़ाहिर सी बात है साइड वन और साइड टू अपनी जगह एक्सचेंज कर चुके होंगे साइड टू यहाँ आ गई होगी साइड वन यहाँ आ गई होगी ऐसे ही हुआ होगा एंड फाइनली आप इसका वर्जन एक और बना सकते हो जिसमें कॉयल पूरा रोटेट करके अपनी जगह पे वापस आ जाएगा और कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी जहाँ पे यहाँ पे आप ऊपर लिख सकते हो टू ऊपर लिख सकते हो वन ठीक है तो आप कह सकते हो कि आपका कॉयल रोटेट कैसे कर रहे हैं एंटी क्लॉक रोटेट कर रहे हैं सो लेट से योर कॉयल इज रोटेटिंग एंटी क्लॉक ये डायग्राम इज मोर देन इनफ दिस पॉइंट प्रॉब्ली गेट यू टू मार्क्स आउट ऑफ फोर्थ बट एक्सप्लेनेशन को बहुत ब्रीफ रखेंगे और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में मैंने जब इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन लिखी थी उसमें से कुछ पॉइंट मैंने स्टायरेक्ट कर दिया था मैंने कहा था ये वाली और ये वाली काम इसको लिख लो तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा तो आपने लिखना है बेटा के आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन The commutator does something, does what? It reverses the direction of current where? In the coil, not in the entire circuit. इस पार्ट ऑफ द सर्किट में जो करंट है वो सेम ही फ्लो करता है क्योंकि बैटरी ने तो तो करंट करंट हमेशा यहीं से और यहां से भेजना और और वापस आएगा। के अंदर जो अंदर जो जो है है है। वो वो रोटेट हो रहा उसके उल्टा होता रहता है। तो हम यहां पे इतनी सी बात कर रहे हैं। ठीक है सो so, हर हाफ रोटेशन के बाद कॉइल में करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है अब इससे आप मेन बात ही लिखोगे इसकी वजह से होता क्या अच्छा ये वाला जो पॉइंट है दिस इज काइंड ऑफ एक्स्ट्रा मेन बात ये है क्योंकि करंट रिवर्स हो जाता है तो आप ये बताओगे कि नॉर्थ पोल वाली साइड पे जो फोर्स लग रही है नॉर्थ पोल वाली साइड पे जो फोर्स लग रही है वो हमेशा अप लग रही तो अप ही लगती रहेगी और डाउन साइड वाली डाउनवर्ड वाली साइड पे जो फोर्स डाउन लग रही है इस साइड पे हमेशा डाउन ही लगती रहेगी फोर्स तो जो मोमेंट है उसकी डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी और कॉयल की रोटेशन कंटिन्यूस रहेगी मेक श्योर दैट फोर्स नियर ईच पोल इज ऑलवेज in the same direction and so the coil obviously keeps rotating in the same direction ठीक है तो यह answer kind of याद कर लो तो बेहतर होता है आपके लिए let's continue the question question number five के अंदर आपके पास एक metal rod है जो के it is placed between the poles of the magnets. you are shown the poles of the battery so you know कि current कैसे flow करेगा और फिर force कैसी लगेगी और magnetic field की क्या direction होगी suppose अगर current direction of the current mark कर दें और इसको C label कर दें obviously आपका जो current है वो ए से बी फ्लो करेगा बिकॉज पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है करंट इसको सी लेबल कर दो मैग्नेटिक फील्ड मार्क कर दें और उसको एम लेबल कर दें तो आपको पता है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली नॉर्थ से साउथ जाती है एक एरो भी काफ़ी है यहाँ पे उन्होंने सारे लाइन्स बनाने को नहीं कहा इसको आप एम लेबल कर दें और कह रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स मार्क कर दें और इसको एफ लेबल कर दें तो इस पर आप फोर्स लगाएं करंट यूं जा रहा है ए से बी मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है फोर्स आ रही है हमारे पास रॉड पे डाउनवर्ड्स

के वायर पे फोर्स लग रही है या नहीं लग रही तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ना ये बहुत अच्छा है इसमें है क्या डेमोन्स्ट्रेशन ऐसी है कि जब जिस चीज पे फोर्स लगेगी ना वो बड़ी क्लियरली मूव करेगी तो होगा यहाँ पे क्या कि मैग्नेट के पोल्स के बीच में एक कॉपर की वायर है जो कि सिर्फ दो बाकी की कॉपर रॉड्स के ऊपर सिर्फ प्लेस हुई हुई है तो ये कनेक्टेड है ऑब्वियसली करंट यहाँ से बैटरी का यूं और यूं जाएगा और यहाँ से करंट निकल के आएगा लेकिन ये जो पार्ट है ये सिर्फ ऊपर के ऊपर रखा हुआ है ठीक है कहीं से चिपका हुआ नहीं है कुछ भी नहीं इस तो उसमें अगर हल्की सी भी साइडवेज फोर्स लगेगी अगर इधर फोर्स लगेगी तो ये यहां मूव कर जाएगा इधर फोर्स लगेगी तो यहां मूव कर जाएगा ठीक है तो इसमें बड़ा इजीली मूवमेंट आ जाती है बाकी क्वेश्चन उसी बारे में ही है फोर्स के बारे में ही है सो so, कह रहे हैं क्रोकोटल क्लिप ये जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से इट कॉजेज द कॉपर वायर टू मूव तो कह रहे हैं मार्क विद द एरो पहले तो करंट की डायरेक्शन मार्क करें कॉपर वायर के अंदर तो कॉपर वायर में किस डायरेक्शन में करंट जाएगा ियसली ए से जाएगा करंट पॉजिटिव से और घूम के नेगेटिव की तरफ आएगा तो ये मेरा करंट है ये मेरा करंट हो गया आई एल राइट दिस डाउन जस्ट सो देर इज नो कंफ्यूजन एक्सप्लेन वाई द वायर मूव वेल सिंपल सी बात है देयर इज अ करंट विच इज गोइंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड ये बहुत जरूरी है विच इज पासिंग हुआ मैग्नेटिक फील्ड अब आप ये बताओ कि करंट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है लेट्स जल्दी से क्विकली रिमेंबर दिस करंट की मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है ये वाली और मैग्नेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है ये वाली ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरैक्ट करती हैं, है प्रोड्यूसिंग फोर्स ऑन द मैग्नेट सो आप बताओगे द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट ऑफ द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट जो कि यू शेप में है इंटरैक्ट सो अ फोर्स सो कहने का मकसद यह कि एक ही बात आपने बार बार रिपीट करनी होती है कि दोनों चीजों की मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट कर रही है सो फोर्स इज एक्सटेड पूछ तो नहीं रहेगा किस डायरेक्शन में वायर मूव करेगी लेकिन आप फिर भी मुझे बता सकते हो सो यू नो दू साउन विलर मूव सो इंडेक्स फिंगर आपके नीचे पैरों की तरफ जाएगी डाउनवर्ड करंट आपका इन टू देश का हैंड इस पोजिशन में आएगा बट यूल लग रही है इवेंचुअली इस वायर पे वो इस डायरेक्शन में लग रही है लेफ्ट साइड पे ये रोल करेगी वायर अलोंग द अदर टू रोड्स टू डिफरेंट डिवाइसेस दैट यूज दिस एक तो हम जाहिर सी बात है बहुत clearly, बहुत क्लियरली डिटेल में पढ़ चुके हैं डीसी मोटर बट उसके अलावा हमने ये भी लाउड स्पीकर के ऊपर अभी अभी क्वेश्चन करते हैं लाउड स्पीकर भी यही जो है वो आपके पास कॉन्सेप्ट यूज करता है आपके नोट से मैंने डाला था मैंने कहा था कि इसको एक लाजमी ये रिले लाउड स्पीकर वगैरह को गो थ्रू कर लेना लेकिन हम इसका भी क्वेश्चन आएगा तो इसको गो थ्रू कर लेंगे मैंने सारी एक्सप्लेनेशन लिखी step step हुई है स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन किया हुआ है रिले और डॉट फ्यूर का चलो अब ये आपके पास रिले है लेकिन रिले के अंदर जो है वो क्वेश्चन असेंशली आपके रिले के बारे में है नहीं like uh, बल्कि है रिले के बारे में ही तो रिले के बारे में आपने सिंपली क्या करना होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की मूवमेंट को फॉलो करना होता है और कुछ भी नहीं होता इट्स नॉट दैट वेरी हार्ड ठीक है ये वाला जो रिले का क्वेश्चन है इसको हमने शायद नोट्स के अंदर ही डाला हुआ है नहीं डाला हुआ ये थोड़ा सा रिले स्विच डिफरेंट है बट ये वाला रिले स्विच थोड़ा सा डिफरेंट है तो आपने आपको इस डायग्राम हर बार शायद थोड़ा सा डिफरेंट है बट ऑल यू हैव टू डू इज बेसिकली जस्ट अंडरस्टैंड द मूवमेंट्स दैट आर गोइंग टू टेक प्लेस ठीक है और करंट अब वो कह रहे हैं सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं स्विच एस को क्लोज कर रहे हैं वो कह रहे हैं भाई ये लैंप कैसे ऑन हो गया स्विच को क्लोज करने से तो सिंपल सी बात है यार सबसे पहले तो देखो कि जब आप स्विच एस को क्लोज करते हो तो बैटरी से करंट यहाँ पे फ्लो कर सकते हैं देखो अभी देखो अभी बैटरी के पास यहाँ से डायरेक्टली इधर करंट जाने का तो कोई रास्ता नहीं है है कोई रास्ता नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो गैप है अगर ये आप गैप किसी तरह क्लोज कर दें तो फिर करंट फ्लो कर सकता है क्योंकि अभी तो करंट जो फ्लो कर रहा है वो सिर्फ यहां से यहां जा रहा है यहां जा रहा है यहाँ जा रहा है कोयल के अंदर से फ्लो कर रहा है यहाँ जा रहा है यहाँ जा रहा है यहाँ जा रहा है यहाँ तो करंट नहीं जाएगा क्यों जाएगा जब यहाँ पे गैप है तो ये तो कनेक्टेड ही नहीं है तो ये गैप किसी तरह बंद करना है इट दैट्स द गोल सो ये करंट फ्लो करता है अब इस करंट को देखो ये यह यहाँ से जा रहा है अब ये करंट जाएगा आपके कोयल में से जब आपके कोयल में करंट फ्लो करता है तो कोयल क्या हो जाता है कोयल के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं जब कोयल में से करंट जाता है तो करंट कोयल क्या चीज प्रोड्यूस करता है इट प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा जो है वो कॉइल और उसके अंदर जो आयरन कोर है वो हो जाएगा मैग्नेटाइज कैन आई से दैट द इज यू कैन सेटाइजो यूज द वर्ड एनर्जाइज बट मैग्नेटाइज इज द सही वर्ड है क्योंकि सही है ना मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर पढ़ रहे हैं सो so, कॉयल में से जब करंट गुजरेगा तो कॉयल अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और कॉल के अंदर जो आयरन कोर है वो सारा मैग्नेटाइज हो जाएगा और आयरन कोर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अब क्या हो रहा है ये ये जो एल शेप्ड है 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 जिसे आर्मेचर कह रहे हैं ये भी तो अब मैग्नेटिक 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 मटेरियल मटेरियल्स ऑब्वियसली फील्ड्स उनके ऊपर फोर्स लगती है अब आपका ये जो आयरन का पीस है आपको पता है कि जब सोलिनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है तो वो अपने पोल्स बनाते हैं सोलिनॉइड का या तो यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा या यहाँ साउथ पोल बनेगा या फिर यहाँ साउथ पोल बनेगा या नॉर्थ पोल बनेगा वो हम राइट हैंड ग्रिप रूल से पता भी लगा सकते हैं ऑल द वे नॉट रिक्वायर्ड टू डू इट लेकिन चलो हम इतनी डिटेल में जा ही रहे हैं तो हम इस राइट हैंड right अगर ग्रिप रूल लगाएं तो मैं इस कॉयल को जब ग्रिप करूंगा मतलब मेरी जो फिंगर्स कर्ल करेंगी करंट की डायरेक्शन में अपनी मैं सारी फिंगर्स को अगर लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाता हूँ तो मेरा थम कहाँ पॉइंट कर रहा है सारी फिंगर्स को लेफ्ट साइड पर लेके जाओ थम कहाँ जा रहा है नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है तो इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरा यहाँ पे नॉर्थ पोल बन रहा है ये मेरे कोयल का नॉर्थ पोल बन रहा है और ये साउथ पोल बन रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये पता लगाना जरूरी नहीं है जो भी पोल बने भाई ये जो पार्ट है अब इसका ये पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है चीजें मैग्नेट के पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होती तो होना ये है कि ये जो पार्ट है ये नीचे की तरफ जाएगा इस पे नीचे की तरफ ऐसे फोर्स लगेगी ये इसका पेवेट है तो ये पूरा आर्मेचर यूं रोटेट कर जाएगा इसका मतलब है कि ये पूरा स्टिफ पीस है तो ये वाला पार्ट जो है आर्मेचर का ये वाला ये इस तरफ मूव करेगा मतलब द होल आर्मेचर विल नाउ काइंड ऑफ लुक लाइक दिस व्हाट हैज हैपेंड टू द आर्मेचर वो वहां से नीचे पुल हुआ था तो उस पर यूं फोर्स लग गई अब इस बात को अगर आप समझ गए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ से आर्मेचर यूं मूव करेगा तो ये गैप क्या हो जाएगा ये गैप क्लोज हो जाएगा अब जब ये गैप क्लोज हो जाएगा तो आप देखोगे ये अब सेल में से डायरेक्ट बेसिकली करंट इन दोनों के कनेक्शन बन गया तो रिले का मकसद क्या है इतनी लंबी कहानी करने का मकसद क्या है रिले एक तरह से सेफ्टी का काम करता है आप जो है ना वो एक स्विच दूर जगह पे लगाते हो या फिर एक तरह से कभी कभार कुछ केसेस में पावर सप्लाई ही डिफरेंट होती है एक और दूसरा रिले है उसको अंदर उसके अंदर पावर सप्लाई ही डिफरेंट होती है सो ये एक्चुअली यूजिंग अ रिलेटिवली सेफर स्विच इन ऑर्डर टू टर्न ऑन अ बिग बिग डिवाइस जो कि ज्यादा करंट मांगता है

ऑफ दिस सर्किट इट वुड लुक लाइक दिस ये बैटरी होगी ये बल्ब होगा और ये वो आपका कॉयल है जिसके अंदर से करंट पास कर रहा है अब दो ब्रांचेस में करंट जाएगा इसमें भी करंट जाएगा इसमें भी करंट जाएगा यहाँ जो करंट जाएगा वो स्मॉल करंट होगा यहाँ जो करंट जाएगा वो लार्ज करंट होगा क्योंकि बल्ब का रेजिस्टेंस तो इतना ज्यादा नहीं है लेकिन इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो यहाँ से स्मॉल करंट जाएगा और स्विच आपका कहीं यहाँ लगा हुआ था स्विच आपने यहाँ कहीं लगाया हुआ था ठीक है सो वॉट यू आर डूंगली यू आर यूजिंग अ स्मॉल करंट टू टर्न ऑन और स्विच ऑन अ लार्ज करंट दिस इज हाउ यू बेसिकली इन वन लाइन रिमेंबर द यूज ऑफ अ रिले रिले का यूज क्या होता है अ डिवाइस दैट इज यूज टू टर्न ऑन अ स्मॉल करंट इन ऑर्डर टू टर्न ऑन अ लार्ज करंट पे लिखा हुआ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इधर लिखा खैर ये एक डिफरेंट डिजाइन है इसको भी बाद में डिस्कस करते हैं ठीक है इसमें तो पावर सप्लाई ही दो अलग अलग है ये जो डिजाइन और ये जो डिजाइन है टोटली डिफरेंट फिलहाल हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो हम इस बात को एक्सप्लेन करना है हैं चार मार्ग के लिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर सकते हैं आप बताओ जब स्विच एस क्लोज हुआ तो आप बताओ करंट थ्रू द कॉइल

बैटरी टू लैम्प सो लैम्प फिल्टर्न ऑन ठीक ये है आपका रिले आरबिक्लेयर अच्छा जी अब ये एक और रिले डिवाइस है ये वाला जो रिले है इसका यूज थोड़ा सा ये भी उसी तरह का यूज है लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि मोटर स्विच ऑन क्यों होगी मोटर कहाँ लगी हुई है मोटर लगी हुई है ये देख लो आराम से चलो ले लो बे इसका आराम से आप इसको खुद भी कर ठीक है चलो आगे अच्छा इस वाले के अंदर वो पूछ रहे हैं कि जब आप ये वाला स्विच क्लोज करते हो इस स्विच को क्लोज करने से वो मोटर कैसे टर्न ऑन होगी अब पहली बात ये याद रखो कि ये वाला सेल

वहां पर भी गैप था हमने देखा था इस गैप को क्लोज करना है ठीक है अब इस बार डायग्राम बिल्कुल डिफरेंट है देखने में वैसा नहीं लग रहा लेकिन वही चीजें होंगी अगर आप थोड़ा सा फोकस के साथ चेक करो तो बस स्टेप बाय स्टेप खुद ही फॉलो करो डायग्राम को आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा जब स्विचेस क्लोज करेंगे यहां से करंट फ्लो करेगा यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो मेरे कोयल के अंदर ऐसे करके करंट पास करेगा सही कह रहा हूँ तो अभी स्विच एस क्लोज करने से सिर्फ और सिर्फ किस चीज में करंट पास करे सिर्फ इसमें कोई करंट पास नहीं करेगा इसमें इस भी कोई करंट नहीं होगा बट वो मैग्नेटाइज हो जाएगा कॉयल के करंट की वजह से अब जो वो आयरन का जो केस है वो मैग्नेटाइज ये वाला पार्ट जो है ये मैग्नेटाइज हो जाएगा और इसके पोल्स भी मैं बना सकता हूँ मैं अपनी अपनी अप, फिंगर्स को नीचे की तरफ पॉइंट करूँ इफ आई फॉलो मैं अपना राइट हैंड ये वाला रूल यूज करूँ जिसके अंदर था थम जो है वो मेरा किस तरफ जाएगा अगर मैं मेरी फिंगर्स करंट के साथ नीचे की तरफ जाती है तो अगर मेरी फिंगर्स नीचे की तरफ जा रही हैं तो मेरा थम किधर जा रहा है क्या राइट राइट साइड पे जा रहा है क्या राइट राइट पे जा रहा है ये मेरा नॉर्थ है और ये मेरा साउथ पोल है ऑल्दो आई डोंट नीड टू फाइंड आउट दे हैवंट आस्क्ड मी बट इफ दे इफ दे डू यू कैन यू शुड बी एबल टू टेल अच्छा खैर तो इस पोल की तरफ ये वाला पीस अट्रैक्ट होगा क्या ये इधर अट्रैक्ट हो जाएगा ये इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा जब ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा पूरा तो स्टिफ हो तो, हो right? kind of like तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर तो भाई ये बात यहाँ पे लिख दो जब ये ऊपर जाएगा तो ये गैप क्या हो जाएगा ये कॉन्टेक्ट आपस में दिस पार्ट एक्चुअली दिस स्प्रिंगी पार्टिल एंड दिस कॉन्टेक्ट टूगेदर अब जब ये कॉन्टेक्ट टच हो जाएंगे तो होगा क्या कि जो ऊपर वाला सर्किट था ना ये अब ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा लेकिन याद रखो मोटर को करंट कहा से मिल रहा है क्या यहां से मिल रहा है नहीं इसको करंट मिल रहा है यहां से, से। तो आपने इस सर्किट की वजह से इसको मैग्नेटाइज किया जिसकी वजह से ये वाला कॉन्टेक्ट बंद हो और ऊपर वाला सर्किट कंप्लीट हो गया जो कि पहले इनकम्प्लीट था तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो होगा स्मॉल लेकिन जो यहां करंट फ्लो करेगा ऐसे फ्लो करवा लो या वैसे बना लो तो ए सी होगा ये होगा लार्ज करंट सो अगेन यूजिंग अ अ स्मॉल करंट टू टू क्रिएट स्विच ऑन अ लार्ज करंट तो अभी आप स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दोगे मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है सिंपल वर्ड्स ही है ना यार ये हिलेगा वो हिलेगा यहाँ से वो जाएगा ये जाएगा ये लिखना ही है बस सिंपल मैंने इसीलिए बना के दिखा सर वेयर डू यूज अगर ये करंट फ्लो करना है तो फिर हमें ये रिले की क्या जरूरत है अगर हम पहले ही डायरेक्ट का से से से, मतलब कनेक्ट करके सेफ्टी सेफ्टी इसलिए हम सेफ्टी का मकसद होता है कि बड़ी बड़ी जो आपकी जो चीजें होती है ना उनके साथ बेटा बड़ी मशीनरी बड़े अप्लायसेस के साथ जो है वो आप एक डायरेक्ट स्विच अगर उसके साथ आप कॉन्टेक्ट में हो कोई फॉल्ट वगैरह हो सर्किट में तो आपको करंट लगेगा तो रिले ये मेक शोर करता है कि आप इस स्विच को ऑपरेट कर रहे हो अब अगर आपको यहां से खुदा ना खास्ता कुछ करंट लग भी जाता है तो दैट वुड नॉट बी अ लार्ज करंट बिकॉज दिस इज जस्ट अ स्मॉल बैटरी एंड यू आर ओनली जस्ट टर्निंग दिस करंट ऑन ठीक है तो आप इसके साथ कॉन्टेक्ट में नहीं हो इसलिए आपकी बचत है तो ये सेफ्टी परपज के लिए यूज हो रहा होता है समझ में आई बात जी जी अच्छा आमना बेटा लेफ्ट हैंड रूल कहां यूज करते हैं जब एक वायर या एक कॉइल करंट लेके पास कर रही होती है दो मै एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से तो हमने लेफ्ट हैंड रूल कहाँ अप्लाई किया खुद ही देखो जरा जल्दी से तो मैं रिवाइज कराता हूँ खुद ही समझ में आ जाएगा कहा लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया क्या यहाँ लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया क्या एक वायर करंट लेके जा रही है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से यहाँ लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया गुड उसके बाद क्या यहाँ लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया अगर अगर तुमसे ये फोर्स की डायरेक्शन मैंने मांगी होती इस इस साइड पे मैं कहता फोर्स की डायरेक्शन बताओ और मैं कहता यार यहाँ पे करंट जो वो यूं फ्लो कर रहा है तो आप फोर्स की डायरेक्शन बताओ तो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट हैंड रूल से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से क्योंकि ये नॉर्थ पोल से नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और ये जो वायर पास कर रही है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से करंट लेके जा रही है तो एक सिंपल वर्ड है अपने अपने आप रिपीट करोगे व्हेन अ अ वायर इज कैरिंग करंट थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड रीजन तो ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है और इसके अंदर से ये वायर ए भी करंट लेके जा रही है और सी डी भी करंट लेके जा रही है बी सी पे इस क्यों नहीं लग रही फोर्स को मुझे ये बता सकते हैं बी सी पे फोर्स क्यों नहीं लग रही हमारा तुम बता सकते हो कि बीसी पे फोर्स क्यों तो नहीं लग रही तो है बीसी में करंट जा रहा है यूं और मैग्नेटिक फील्ड भी यू है तो वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड साइड बीसी पे फोर्स नहीं लगी है हमने डीसी मोटर के अंदर एड्रेस नहीं किया है क्वेश्चन लेकिन वो पूछ सकते हैं जी आमिना अब मैं आपको फ्लमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बता रहा हूं। इस क्वेश्चन के अंदर आपने फोर्स की डायरेक्शन फिगर आउट करने के लिए कौन सा रूल यूज किया था फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी अच्छा फ्लैमें राइट हैंड रूल के बारे में पूछ रही हूँ ओके, ओके, ओके। लगा लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल हम कब यूज करते हैं अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए यूज करते हैं मैं अभी बताऊंगा वो जब हम उसको पढ़ेंगे अभी तक हमने नहीं पढ़ा ओके तो आई थोड़ा आपको आप ये पूछ रही हो कि लेफ्ट हैंड रूल कब यूज करेंगे लेफ्ट हैंड रूल तो आपको पता चल जा चुका होगा अब तक हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं एक्सप्लेन वाई द कोर इज मेड ऑफ आयरन रादर देन स्टील So current, जब मैंने में डाला था, तो हर बच्चा है वो मुझे ये बताने था कि ये वो अच्छा कंडक्टर है इसमें से कोई करंट नहीं, कर नहीं फ्लो कर रहा इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा इसका काम है मैग्नेटाइज होना और डीमैग्नेटाइज होना आयरन एक अच्छा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि मैग्नेटाइज भी इजीली होता है

फिर एक इसी तरह की कर्व लाइन यू बनाओ ये बिल्कुल बार मैग्नेट वाला मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है बस फर्क सिर्फ ये कि इसमें अंदर भी पैटर्न बनता है फिर एक आप पैटर्न इस इस तरह की लाइन बनाओ जो कि यहाँ से घूम के इधर आए इसे बार मैग्नेट में भी होता है और यहाँ से भी आप यही करो Now you can obviously loop around one more field line, but नाउ माय क्वेश्चन कि इस कॉयल का नॉर्थ पोल किधर होगा साउथ पोल किधर होगा और ये फिर फील्ड लाइंस उसकी उसकी वजह से पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी तो मार्क करनी होगी ना मुझे डायरेक्शन भी तो मार्क करनी है तो मैं एरो तो किस डायरेक्शन में बनाऊं सो करंट की डायरेक्शन आपको शो की हुई है सामने वाली साइड पे आपको करंट नजर आ रहा है नीचे जा रहा है तो अपनी फिंगर्स लेके जाओगे नीचे फिंगर्स नीचे लेके जाओ नॉर्थ पोल किस तरफ है राइट right साइड पे है लेफ्ट साइड पे है वेरी गुड So, जाएंगे, तो आपका थम जो है राइट हैंड ग्रिप रूल अप्लाई कर रहे हैं फिंगर तो आपका ये right. जो साइड राइट right पे नॉर्थ पोल बन अंदर जाएंगी और ये घूम के इधर जाएगा और ये घूम के जाएगा, it, right. coil, तो पांच मार्क का पूरा क्वेश्चन हमने एक साथ कर लिया राइट right. ठीक है आई गेस के यार इनाफ uh, प्रैक्टिस है ये थोड़े सा पुराने वाले क्वेश्चन ये भी आप कर सकते हो बट या आई थिंक आप बाकी के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप खुद प्रैक्टिस करो एक तो जगह मैंने कट लगाया बिकॉज कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ ठीक है सो द अदर क्वेश्चन आर नॉट देट मच डिफरेंट कुछ पार्ट्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बीच में आ गए थे गलती से लेकिन वो स्किप हो जाएंगे उसका कोई मसला नहीं है वो वो वाले पार्ट्स हैं वो उस चैप्टर में डिस्कस हो जाएंगे सो so, अब, अब जब अगली क्लास शुरू करेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन को जो है वो हम कोशिश करेंगे कि एक दिन नहीं तो दो क्लासों में ख़त्म कर लें और अगली क्लास ट्यूजडे और थर्सडे को तो होगी होगी लेकिन उससे पहले आई एम ट्राइंग कि कल ना लाजमी संडे को देखिए एक क्लास रखनी है ठीक है इन शलो ओके अल्लाह